इस वीडियो में आंखों को भ्रमित करने वाले ऐसे ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन्स देखोगे कि कुछ देर के लिए आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। आपको आपकी देखी हुई चीजों पर यकीन ही नहीं होगा। वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी इल्यूजन दिखाई जाएगी जिसको देखने के बाद आप अपने आसपास की जिस भी चीज को देखोगे वो आपको घूमती हुई दिखाई देगी। चाहे आप किसी भी चीज को देखोगे वो आपको गोल घूमती हुई नजर आएगी। सारे के सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स बेहद ही तगड़े हैं, जिनमें 95% लोग फंसते हैं। लेकिन क्या आप उन बचे हुए 5% लोगों में है? इसको पता लगाने का एक बेहद ही आसान तरीका है। इस वीडियो में आपको 15 ऑप्टिकल इल्यूजन्स दिखाए जाएंगे, तो आप कोई कॉपी और पेन ले लो या फिर कैसे भी करके ये याद रखना कि आपके पॉइंट्स कितने हुए। मान लो आपने कोई इल्यूजन देखा और उसमें आपका दिमाग भ्रमित नहीं हुआ, तो आपको मिलेंगे 1 पॉइंट। यानी कि पूरे वीडियो में जितने इल्यूजन में आप नहीं फंसोगे आपके उतने पॉइंट्स होंगे। और वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको कमेंट करके बताना है अपने पॉइंट्स, जिससे ऑफ कोर्स ये पता चलेगा कि आप 95% लोगों में से हो या फिर आपका ब्रेन शार्प है और आप बचे हुए 5% लोगों में से आते हो। नाउ लेट्स बिगिन। इस इल्यूजन को अगर आप सही से करोगे तो आपको आपके आसपास की चीजें छोटी होती हुई दिखाई देंगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जिस भी चीज को आप देख रहे हो वो सिकुड़कर छोटी हो रही है। विश्वास नहीं होता? वेल, ट्राई करके देख लो। आपको आपके स्क्रीन के सेंटर में बने इस डॉट पर 25 सेकंड्स तक लगातार देखना है, बिना पलके झपकाए लगातार 25 सेकंड्स तक ध्यान से बीच में देखना। और उसके बाद जैसे ही मैं ओवर बोलूंगा तो अपने आसपास की किसी भी चीज को देखना। मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने हाथ को देखना, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी हाथ छोटी हो रही है। शुरू हो जाओ। ओवर। चलो जल्दी से अपने आसपास की किसी भी चीज को देखो। अगर सही से किया होगा तो आपको भी चीजें कुछ देर के लिए सिकुड़ती हुई जरूर दिख रही होंगी, और अगर नहीं दिखी तो आपके 1 पॉइंट हुए। इस ऑप्टिकल इल्यूजन को कैफे वॉल इल्यूजन कहा जाता है। बता दूं कि इस इल्यूजन में लगभग सभी फंसते हैं। आपको ये बताना है कि क्या ये जो ब्लू कलर की लाइंस है ये सीधी लाइंस है या फिर टेढ़ी लाइंस है। ये ब्लू लाइन सीधी जा रही है या थोड़ा टेढ़ा होकर, ठीक से ध्यान से जरूर देखना। असल में दोस्त, ब्लू लाइन और उसके नीचे वाली ये लाइन, ये दोनों ही बिल्कुल सीधी है। जैसे ही मैं इस फोटो को ब्लर करूंगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन सीधी है। ज्यादातर लोगों को ये लाइंस पहली नजर में तिरछी दिखती हैं। क्या आप उन लोगों में हैं? या आपका 1 पॉइंट बढ़ा? स्कोर नोट करते रहना। इस फोटो में एक जानवर की तस्वीर छिपी है। आपको ये बताना है कि वो कौन सा जानवर है। थोड़ी सी टिप दे देता हूं। जानवर को आइडेंटिफाई करने के लिए इस तस्वीर को देखने वक्त अपने सिर को जल्दी जल्दी आगे पीछे करोगे तो शायद आपको वो छिपा हुआ जानवर आसानी से दिख जाए। सिर को आगे पीछे करना 2-3 बार तस्वीर देखने वक्त। और हाँ, वैसे मैं बता तो सकता हूँ कि तस्वीर में कौन सा जानवर छिपा है, पर मैं नहीं बताऊंगा। आप नीचे कमेंट करके बताना आपको कौन सा जानवर दिखा। इस तस्वीर में यहाँ देखो, क्या आपको यहाँ एक काला डॉट दिखा? ठीक उसी तरह यहाँ देखने पर ब्लैक डॉट दिखा क्या? और यहाँ देखने पर दिखा ही होगा। इस तस्वीर में ऐसे ऐसे 12 काले डॉट्स हैं। लेकिन बात तो ये है कि आप चाहे कुछ भी कर लो आपको एक बार में एक से ज्यादा ब्लैक डॉट दिखेगा ही नहीं। एक बार में सिर्फ एक ही डॉट दिखेगा। मैंने खुद शुरू में तुम्हें 3-4 ब्लैक डॉट दिखाए, पर अब देखोगे तो वो दिखेंगे जरूर, पर एक बार में सिर्फ एक ही। इस इल्यूजन में पॉइंट बढ़ा या फिर फंस गए इसमें भी, पॉइंट्स नोट करते रहना। आपने फ्लावर पॉट या कैंडल होल्डर तो देखा ही होगा, जिस पर हम मोमबत्ती रखते हैं। तो आपको ये बताना है कि आपको इस तस्वीर में पहले कैंडल होल्डर दिखा, यानी जिसमें मोमबत्ती रखी जाती है, या फिर आपको दिखा 2 इंसानी चेहरा। गौर से देखना, हो सकता है आपको दोनों ही दिखेगा, लेकिन पहले क्या दिखा ये आप कमेंट में बताना। क्योंकि ज्यादातर लोग जब इस तस्वीर को देखते हैं तो पहली नजर में उन्हें कैंडल होल्डर ही दिखता है, 2 इंसानी चेहरे बाद में दिखते हैं। क्या आपको भी पहले कैंडल होल्डर ही दिखा? कमेंट। पिछले साल ये जूता पूरे इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ था। असल में लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इस जूते का असली रंग कौन सा है। सच में हो सकता है कि आप भी इस जूते का रंग सही नहीं बता पाएंगे। क्या लगता है आपको इस जूते का रंग क्या है? गुलाबी और उजला या हल्का हरा और ग्रे? आपका जवाब जो भी हो, पर इस जूते का असली रंग गुलाबी और उजला है। गुलाबी और उजला। जब ये जूता प्रॉपर रोशनी में आता है तब इसका असली रंग आसानी से दिखता है। फिर भी काफी लोग इस जूते का रंग गुलाबी और उजला नहीं बल्कि हल्का हरा और
ग्रे समझ लेते हैं, जो कि गलत है। क्या आपने सही रंग पहचाना था? स्कोर्स। और हाँ, आप मजे के लिए अपने आसपास के लोगों से या फिर किसी दोस्त को ये वीडियो भेजकर उससे भी ये पूछ सकते हो कि आखिर उसे कौन सा रंग दिखा। इस इल्यूजन में आपको ये पता चलेगा कि आपका दिमाग कितनी आसानी से भ्रमित हो जाता है। आपके स्क्रीन पर ये जितने भी बॉल्स हैं, ये सभी एक ही रंग के हैं, राइट? जितने भी बॉल्स हैं सभी एक ही रंग के हैं, है ना? अब जैसे ही मैं कुछ रंग बिरंगी सीधी लाइंस को इनके ऊपर लाऊंगा, तब देखना। डैम, क्या अभी भी ये आपको एक ही रंग के दिख रहे हैं? शायद नहीं। वैसे असल में तो ये सभी बॉल्स एक ही रंग की ही हैं, पर इन रंग बिरंगी लाइनों की वजह से हमारा दिमाग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और असली रंग नहीं दिखाता। मैंने आपको बता भी दिया कि असली रंग ये नहीं बल्कि ये है, तब भी शायद आपको ये हरा, ये ब्लू और ये लाल ही दिख रहा होगा। था ना मजेदार? इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि भाई आगे आप लोग वीडियो देखते देखते कंफ्यूज आ जाओगे और लाइक करना भूल जाओगे। इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दो और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। ये किस रंग का है और ये किस रंग का है? ये उजला है और ये है काला, राइट? असल में ये दोनों एक ही रंग के हैं। इस इल्यूजन में आपका दिमाग कंफ्यूज हुआ या आपका एक पॉइंट बढ़ा? वैसे लगभग सभी लोगों को ये उजला और ये काला ही लगता है, क्योंकि इंसानी दिमाग लाइट की डेप्थ परसेप्शन को सही से रीड नहीं कर पाता और उसी से पैदा होता है भ्रम यानी इल्यूजन। खैर, मुझे उससे क्या, मुझे तो बस आपके पॉइंट को कम करवाना है। आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे इन सभी सर्कल के बीच में बारी बारी से गौर से देखना है, गौर से बिना पलके झपकाए देखना, ओके? तो क्या दिखा? ये सर्कल घूमती हुई दिखाई दी क्या? दिखी ही होंगी। पर क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि असल में ये स्टिल इमेज है, यानी कि ये कोई वीडियो नहीं बल्कि एक सिंपल सी इमेज है, और ऑब्वियसली ये सर्कल भी घूम नहीं रही बल्कि स्थिर है। इसमें जरूर फंसे होंगे, वो भी बहुत बुरे तरीके से। असल में इस ऑप्टिकल इल्यूजन को साल 2003 में जापान की साइकोलॉजिस्ट अकियोशी किटाओका ने बनाया था, और हमें बस ऐसा लगता है कि ये सर्कल्स घूम रही हैं चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो, पर ऐसा है नहीं। इस तस्वीर में आपको ये बताना है कि ये बच्ची पानी के अंदर है या पानी के बाहर। ये काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा डिफिकल्ट भी, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले लो। 10 सेकंड्स तक बिल्कुल गौर से इस इमेज की हर डिटेल को देखो और तब जवाब रेडी रखना कि बच्ची पानी के अंदर है या पानी के बाहर। और हाँ, जवाब को बदलना मत मेरे बताने के बाद। तो अगर आपने इमेज को सही से देखा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि असल में ये बच्ची पानी में नहीं है। कैसे? वेल, बच्ची के पैर को देखो, उसने पानी पर पैर रखा हुआ है जिससे पानी में ऐसी डिस्टरबेंस आई। और आप इस बच्ची के बाल को भी देख सकते हो, पानी के अंदर बाल ऐसे लूज नहीं रहते बल्कि वो तैरते रहते हैं। ये इल्यूजन थोड़ा डिफिकल्ट जरूर था, पर उतना भी नहीं। आई थिंक आप में से काफी लोगों का एक पॉइंट जरूर बढ़ा होगा। आपको यहाँ रंग बिरंगी लाइंस दिख रही हैं, आपको उन्हें नहीं देखना बल्कि आपको पूरे ध्यान से अगेन बिना पलके झपकाए इस ब्लैक डॉट को देखना है। ध्यान रखना, ध्यान इस ब्लैक डॉट से हटनी नहीं चाहिए और पलके भी मत झपकाना। जब आप इस ब्लैक डॉट को देख रहे होगे, तब मैं बीच में एक बार इन रंग बिरंगी लाइंस को हटाऊंगा और कोई और इमेज लगाऊंगा और तब होगा असली जादू। शुरू हो जाओ। तो बीच में मैंने इन रंग बिरंगी लाइंस को हटाकर एक प्लेन व्हाइट इमेज लगा दी थी, लेकिन तब भी आपको उस व्हाइट इमेज में भी कई रंग बिरंगी लाइंस दिखी होंगी, जबकि वो वहाँ थी ही नहीं। और यही तो था इल्यूजन। देखने में ये कोई आम उजले रंग का मास्क लग रहा होगा और ये है उस मास्क का ऊपरी भाग, है ना? जरा एक मिनट रुकना। हाँ, तो असल में आप मास्क के अंदरूनी भाग को उसका ऊपरी भाग समझ रहे थे। एक बार फिर से देख लो, ये है मास्क और ये है उसका ऊपरी भाग। अब शायद ना लगे क्योंकि मैंने सच बता दिया, पर असल में ऊपरी भाग उसके पीछे था। आप इसे अपने दोस्तों से शेयर करके उन्हें पागल बना सकते हैं। ये इल्यूजन काफी तगड़ा है। अगेन, आपको बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करते हुए इस ब्लैक डॉट पर नजरें बनाए रखना है, बाकी इन सब चीजों को इग्नोर करो। थोड़ी देर बाद मैं इमेज बदलूंगा और फिर होगा जादू। आप सोच रहे होंगे कि इस बार तो नहीं फंसूंगा, लेकिन फंसोगे। शुरू हो जाओ।
तो क्या आपको आसमान नीला दिखा और पानी भी? दोस्त बात तो ये है कि ये एक टापू का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, इसमें कोई रंग था ही नहीं, पर आपके दिमाग ने शुरू में दिखाए गए इस अजीब से नेगेटिव इमेज की वजह से इस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में खुद से रंग भर दिया। विश्वास नहीं होता तो वीडियो थोड़ी पीछे करके देख लो और इस कोर्स नोट करते रहना। इस इल्यूजन को भी जापानी साइकोलॉजिस्ट अकियोशी किटाओका ने तैयार किया था। आपको ये बताना है कि प्लेट पर रखी इन स्ट्रॉबेरीज का रंग, इनका कलर क्या है? वेल ऑफ कोर्स लाल, राइट? क्योंकि हमें तो पता ही है कि स्ट्रॉबेरीज लाल रंग की होती हैं, पर बात तो ये है कि स्ट्रॉबेरीज भले ही लाल रंग की होती हैं, पर इस इमेज में से लाल रंग पूरी तरीके से हटा दिया गया है। यानी ये आपका दिमाग है जो आपको इस इमेज में रखी इन स्ट्रॉबेरीज का रंग लाल दिखा रहा है, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि स्ट्रॉबेरीज लाल रंग की होती हैं, पर असल में इस इमेज में ये स्ट्रॉबेरीज लाल रंग की नहीं बल्कि ग्रे कलर की हैं। ग्रे कलर की, इसमें काफी लोग फंसे होंगे। तो अब बारी आती है उस ऑप्टिकल इल्यूजन की जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। एक ऐसा इल्यूजन जिसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास रखी चीजें गोल गोल घूम रही हैं। सच में आपको बस बीच में यहाँ पर पूरा ध्यान रखना है, आंखें खुली रखनी है और बस इसी ब्लैक डॉट को लगातार देखना है, और जैसे ही मैं ओवर बोलूंगा आपको अपने आसपास रखी किसी भी चीज को देखना है। शुरू हो जाओ। ओवर। चलो जल्दी से अपने आसपास रखी किसी भी चीज को देखो। क्या वो चीज घूमती हुई दिखी? ऐसा लग रहा होगा कि वो गोल गोल घूम रही है। तो दोस्तों क्या रहा आपका स्कोर? कितने पॉइंट्स हुए आपके? कमेंट करके सच्ची वाला पॉइंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडियाज जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपना स्कोर बता सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर याद से कर देना।